आपकी हेल्प के लिए मैंने मोहम्मद यूसुफ साहब को भी बुलाया है, और इंशाल्लाह कल से उमर गुल भी हम आपको नज़र आएंगे, वो भी इनके साथ काम करें। तो इस साल भी हमने अपनी जितनी भी कोशिश की और एक अच्छा स्क्वाड बनाने में हम कामयाब हुए, जो हम काफ़ी पॉजिटिव हैं कि ये जितने 9 सालों में हमने स्क्वाड बनाए उनमें ये इसमें यूथ और सम एक्सपीरियंस प्लेयर्स का बड़ा अच्छा मिक्स है, तो बड़े पॉजिटिव हैं हम इस बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 सालों में हमने हर साल प्लेऑफ खेला और 4 फाइनल खेले, इस साल भी उम्मीदें इसी तरह कि हम इसमें अच्छा करें। सारी टीमें अच्छी हैं, ऑब्वियसली ऑन द डे जो परफॉर्म करता है वही जीतता है, लेकिन वी विल ट्राई आवर बेस्ट। बॉलिंग अपनी तरफ से तो हर साल हम अच्छी उठाते हैं, आपकी एक अपनी राय हो सकती है, बट ये है कि बॉलिंग लाइन अप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, उसमें लोकल और ओवरसीज बॉलर्स का एक अच्छा मिक्स है, इसमें आपको नज़र आएंगे लूक वुड भी नज़र आएंगे, नवीन लट भी नज़र आएंगे, शमार जोसेफ भी नज़र आएंगे, और फिर वकार सलाम खेल भी नज़र आएंगे, और लोकल में हमारे पास जो लोकल स्ट्रेंथ है उसमें बड़े अच्छे यंगस्टर मौजूद हैं, एक अच्छा मिक्स आपको नज़र आएगा। अकरम भाई, वेन्यूज़ के हवाले से पेशावर ज़र्मी ने थोड़े तहफ़ुज़ात का इजहार किया था कि मैचेस पिंडी में और कराची में ज़्यादा होने चाहिए, वहाँ पर फैन ज़्यादा हैं, तो उस हवाले से पीसीबी की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया है या किससे जो शेड्यूल जारी हुआ था अभी वही शेड्यूल के मुताबिक आप लोग खेलेंगे? शेड्यूल जो जारी हुआ था उसी के मुताबिक ही होगा, हमारी ख्वाहिश थी कि हमारे ज़्यादा मैचेस वहाँ हों जहाँ पे हमारी ज़्यादा फ़ैन बेस है, क्योंकि एक हमारा हक बनता है, और इतने सालों से पेशावर की आवाम इस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, तो जिस वजह से हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे या तो पेशावर में हों, अगर पेशावर में नहीं हो सकते तो फिर ज़्यादा मैच पिंडी में हों, ताकि हम लोग हर साल वहाँ से बसें चलाते हैं, फिर हमारी कराची में बहुत बड़ी फ़ैन बेस है, तो वहाँ पे सिर्फ एक मैच है, तो अगर ज़्यादा होते तो अच्छा होता, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी कोशिश की है, कर नहीं पाए। अकरम भाई, कल से हम देख रहे हैं कि दो ओपनिंग जोड़ियाँ खेल रही हैं इस वक्त, हसीबुल्ला और साथ में मोहम्मद हारिस, और दूसरी जानब साइम अयूब और बाबर आजम, तो मैच के हवाले से बताइएगा कि कौन सी ओपनिंग जोड़ी खेलेगी, मतलब कि ओपनिंग पेयर चेंज हो सकते हैं एक तरफ से एक दूसरी साइड से दूसरा, या फिर यही होंगे जोड़ियाँ? ये तो प्रैक्टिस सेशन हैं, इसमें हम जितनी प्रैक्टिस दे सकते हैं उनको दे रहे हैं, इसमें ये नहीं चल रहा होता कि किसने ओपन करनी है। जो मैचेज में है अभी हमारे ओवरसीज बैट्समैनों ने भी आना है, तो मिक्स एंड मैच हम उस वक्त कर सकेंगे, सारा कोचिंग स्टाफ भी जब इकट्ठा हो जाएगा तो ये फाइनलाइज करेंगे चीज़ें, लेकिन ये अच्छा है कि ये सारे रेडी हैं किसी पोजिशन पर भी खेलने के लिए, ये चारों जो हैं इनको कोई एतराज़ नहीं है कि वो ओपन करें या वो 3 पे खेलें या 4 पे खेलें, ये एक अच्छी खूबसूरती, और हैं यंगस्टर हैं, और जिस टीम में इस तरह के यंगस्टर हों कि जो अडाप्ट करना जानते हों कि जहाँ दिल है हमें खिला लो, तो वो हमारे लिए आसानी हो जाए। अकरम भाई, कल बाबर आजम ने कहा कि मोहम्मद हारिस इस दफ़ा आपको डिफरेंट नज़र आएंगे, पहले वो 30-35 तेज करते हैं, इसको लंबा नहीं कर पा रहे, तो क्या डिफरेंट इस दफ़ा प्रैक्टिस करवाई गई है या क्या प्लान दिया गया? देखो, आप एक्सपेक्ट करते हो जब एक लड़का 2-3 साल क्रिकेट खेल चुका हो अच्छे लेवल की, तो वो और एक्सपीरियंस हो जाता है और मैच्योरिटी उसमें आ जाती है, तो मेरा ख्याल है बाबर का यही सोच होगी कि वो अब मैच्योर हैं और मैच्योर क्रिकेट खेलेंगे और मैच को फिनिश करके आना सीख गए होंगे अब तक, और उसी उन्हीं चीज़ों पे काम हो रहा है, हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ भी उनके साथ काम कर रहे हैं, तो उनको लाने का मकसद यही है कि जो हमारे अपने लोकल यंग प्लेयर हैं ये उनसे सीखें कि इनिंग बिल्ड कैसे करते हैं और मैच को फिनिश कैसे करते हैं। जी, बाबर आजम खेल से पहले आपकी तब्जी क्या है, खिलाएंगे या दूसरे नंबर पर खिलाएंगे, और आपकी टीम में कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो मैच आपके? बाबर आजम टीम का कप्तान भी है और हमारे लिए वो ओपन करना चाहे, वो 3 पे खेलना चाहे, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि उसने पिछले साल हमारे लिए एज ए ओपनर बहुत अच्छा किया, और वो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन साइम के साथ एक अच्छा बनता है, तो वो खुद ओपन करे ज़्यादा अच्छा होगा। बाबर के भाई नज़र आए हैं कल, आज भी थे, तो उनका थोड़ा बता दें क्या वो आपके फ्यूचर प्लान में है?
यहाँ पे कोई 100 बच्चा रोज आता है, तो वो सारे हमारे बच्चे हैं, किसी का भाई हो कोई भी हो, हमारा काम है उनको देखना, उनमें से टैलेंटेड है उनको थोड़ी सी टिप गाइडलाइंस दे देना, और फ्यूचर में सबके लिए सब कुछ ओपन है, अब डिपेंड करता है वो अपने आप को कैसे आगे लेके चलते हैं। थैंक यू सर। अकरम भाई ये बताइएगा कि मोहम्मद यूसुफ की अभी आपने बात की, वो उनको एज ए किस रोल के ऊपर आप पेशावर जर्मनी के साथ उनको अटैच किया? अभी वो बैट्समैन थे तो एज ए बैटिंग मेंटोर ही यंगस्टर्स हैं, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास काफ़ी अच्छी यूथ है इस साल, तो उनकी हेल्प के लिए मैंने मोहम्मद यूसुफ साहब को भी बुलाया है, और इंशाल्लाह कल से उमर गुल भी हम आपको नज़र आएंगे, वो भी इनके साथ काम करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जब इस तरह का टूर्नामेंट शुरू होता है तो अपने सीनियर लोग जब इनसे इंटरेक्ट करेंगे, जो मैंने पिछले 8-9 सालों में चीज़ सीखी है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने लड़के जो यंगस्टर्स हैं इनको एट टाइम्स इंग्लिश का इशू है, तो हम अपने लोकल कोचेस को बुला के जो एक्सपीरियंस हैं जिन्होंने हाईएस्ट लेवल पे बहुत अच्छा किया हुआ है उनके साथ इनको थोड़ा सा मिक्स करें, उनके तजर्बे से इनको फ़ायदा मिले। तो यही सोच लेके हमने मोहम्मद यूसुफ साहब को और उमर गुल साहब को भी इन्वाइट किया है कि इन बच्चों के साथ आके काम करें ताकि पाकिस्तान का फ्यूचर है।